हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीमेट 2021 के बारे में। आज आप लोगों को इस वीडियो में सीमेट 2021 के रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन फुल डिटेल में डिस्कस करने को मिलेगी। लाइक उसका एप्लीकेशन हम किस तरह से भर सकते हैं, उसका एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड किया जा सकता है, साथ ही साथ सीमेट 2021 का सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन सीमेट 2021 के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता है, सीमेट 2021 का नोटिफिकेशन कब रिलीज होगा, एप्लीकेशन फॉर्म कब अवेलेबल रहेगा, एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड करवाएंगे, कौन सी तारीख को जो एडमिट कार्ड रिलीज होगा, हर एक चीज़ फिर डिटेल में जानेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूले, ताकि अगर सीमेट 2021 का कोई भी नया इवेंट रिलीज होता है, कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट आता है, न्यूज़ आती है, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से सीमेट 2021 के रिलेटेड जो है अपडेट कर पाएंगे, आपको नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं सीमेट 2021 के बारे में और डिटेल में जानना। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको अपने किसी भी ब्राउजर पे जो है google.com ओपन कर देना है, और google.com ओपन करते ही आपको जो है वहां पे सर्च करना होगा cteet.co.in। जैसे ही आप cteet.co.in सर्च करेंगे तो जो सबसे पहला रिजल्ट आपको गूगल में दिखा देगा, आपको सिंपली उसे ओपन कर देना है। तो जैसे ही आप उसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो ये cteet.co.in एक ऐसी एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पे आपको सीमेट के रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन फुल डिटेल में जानने को मिलेगी। उसी के साथ साथ ये जो cteet.co.in वेबसाइट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट के साथ जो है रेगुलर बेसिस पे, जो डेली बेसिस पे अपडेट भी होती रहती है। तो यहाँ पे आपको जो है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ साथ जो फुल ओरिजिनल कंटेंट जो इन्फॉर्मेशन आपको जानने को मिलेगी। अभी जैसे हमें सीमेट के बारे में जानना है तो यहाँ पे जो सर्च बारे में आपको सिंपली सीमेट टाइप करना है, और यहाँ पे जो सर्च का बटन है उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपके सामने जो भी सीमेट जितने भी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारे के सारे आ जाएंगे, आप उसमें से जो भी आप चाहे वो देख सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे, अब हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सीमेट का फुल फॉर्म दे दिया गया है, कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। तो ये जो था इसका फुल फॉर्म था, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीमेट बुलाते हैं, जो कंडक्ट किया जाता है NTA के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। उसी के साथ यहाँ पे ये भी बता दिया गया है कि टोटल 1000 के आसपास AICTE अप्रूव्ड 20 स्कूल है ऑल ओवर इंडिया में, जो MBA के अलग अलग प्रोग्राम्स है उसमें जो एडमिशन देती है, लाइक PGDM, MBA, PGCM। तो उसी की तरह के उसी के जितने भी टाइप के जो भी प्रोग्राम्स है, कोर्सेज है, उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको जो है सीमेट का एग्जाम देना कंपलसरी है। तो ही आप जो इन सब कोर्सेज में जो अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया में जो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी बता दिया कि टोटल 1000 के आसपास AICTE अप्रूव्ड 20 स्कूल है ऑल ओवर इंडिया में, और वो सब है जो MBA के प्रोग्राम्स जो है MBA के कोर्सेज है वो प्रोवाइड करते हैं, लाइक PGDM, MBA, PGCM। तो इसमें अगर आपका एडमिशन चाहिए तो उसके लिए आपको सीमेट का एग्जाम देना कंपलसरी है, तो ही इन सब में आपको जो एडमिशन मिल सकता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सीमेट के हाईलाइट्स की ओर। तो सीमेट का सबसे पहले फुल फॉर्म हमने ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं, कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। फिर टाइप ऑफ एग्जाम, ये PG लेवल का एग्जाम है, लेवल ऑफ एग्जामिनेशन नेशनल लेवल का एग्जाम है। फिर यहाँ पे जो कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं वो बता दिए कि यहाँ पे सिर्फ मैनेजमेंट के कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, लाइक PGDM, MBA, PGCM, Executive, PGDM, etc. मीन्स और भी बहुत सारे कोर्सेज है जो प्रोवाइड किए जाते हैं मैनेजमेंट कोर्स के। फिर इसके ऑर्गेनाइजिंग बॉडी क्या है, किसके द्वारा जो है ये एग्जाम कंडक्ट जाता है, किया जाता है, इसकी अथॉरिटी कौन है, ऑफिशियल अथॉरिटी, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के द्वारा जो है ये सीमेट का एग्जाम हुआ कंडक्ट किया जाता है। मोड ऑफ एप्लीकेशन, इसका ऑनलाइन मोड है, मीन्स इसका एप्लीकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज होगा, हमें वहाँ से जो है वहाँ पे जाके एक एप्लीकेशन हम भर के हमें सबमिट करना रहेगा। नेक्स्ट मोड ऑफ एग्जाम जो ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन हमें कंप्यूटर पे बैठ के इसका एग्जाम देना रहेगा। जो ड्यूरेशन है टोटल 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा हमें, और यहाँ पे आपको जो नीचे NTA CMAT.in ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो प्रोवाइड करा दी गई है। अब हम क्विक लिंक्स की बात करें तो ये जो सेक्शन है गाइस, ये सेक्शन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी कैंडिडेट्स किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये सेक्शन बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। क्योंकि अगर कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानना है तो आपको सिंपली क्या करना होगा, जो भी टॉपिक्स यहाँ पे लिखे, लाइक मुझे सिलेबस के बारे में और डिटेल में जानना है तो मुझे यहाँ पे जो सिलेबस के सामने जो क्लिक किया दिख रहा है उस पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो सीमेट का सिलेबस का एक नया पेज ओपन हो जाएगा, वहाँ पे सीमेट का सिलेबस फुल डिटेल में पूरा एक्सप्लेन, एक एक टॉपिक के साथ, एक एक सब्जेक्ट के साथ, हर चीज़ वहाँ पे जो डिटेल में दे दी गई है होगी। तो इस सब की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप चाहे तो डायरेक्ट वहां से भी लिंक पे क्लिक करके जा सकते हैं, या तो फिर आप डायरेक्ट गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, cteet.co.in वेबसाइट पे आके भी आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्जाम डेट्स की।
इसका ऑनलाइन प्रोसेस है एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन का, वो नवंबर से स्टार्ट हो जाता है, और जो इसका एग्ज़ाम है वो मोस्ट प्रोबेबली जनवरी के जो एंड तक इसका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट किया जाता है। उसके साथ और जितने भी इवेंट्स हैं उन सब के भी डेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट नंबर थे एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर, तो एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताने से पहले सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन का प्रोसेस फिल करने के टाइम पे एप्लीकेशन में कोई भी गलत डिटेल्स भरते, फेक डिटेल्स भरते थे, तो आपका एप्लीकेशन में फॉर्म में जो एक्सेप्ट नहीं होगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है, तो इसीलिए आपको बहुत सावधानी से इसमें भरना होता है। और एप्लीकेशन भरते टाइम लोगों को जो है फोटोग्राफर सिग्नेचर स्कैन करके भी अपलोड करना रहता है, पर उसे कितनी साइज में अपलोड करना है, कितनी साइज कितने KB में फाइल होनी चाहिए वो नहीं पता होता है स्टूडेंट्स को, और वो बरोबर अपलोड नहीं कर पाते और उनका एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं होता, इसकी वजह से वो रिजेक्ट भी हो जाती है कभी कभी। तो इसके लिए आपको सिंपली ये करना होगा कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ जो है बेल आइकन बटन भी दबा देना है, क्योंकि हम सीमेट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर एक डिटेल वीडियो भी आगे बनाने वाले हैं, जिसमें हम लाइव एप्लीकेशन फॉर्म आपको भर के बताएंगे किस तरह भरना है, एक एक डिटेल्स कौन से लिंक पे क्लिक करना है, और उसी के साथ आपको ये भी बताने वाले हैं कि जो फोटोग्राफ और जो सिग्नेचर आपको स्कैन करके अपलोड करना है वो किस तरह से करना है, कितने साइज का रहना चाहिए, कितने KBs की फाइल रहनी चाहिए, हर एक डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो मेक श्योर करें कि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब करके रखा हो, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन भी दबा के रखा हो। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, तो जो जनरल क्लास और OBC से बिलोंग करते हैं उन कैंडिडेट्स की जो फ़ी रहेगी वो 1400 रहेगी, और जो ST SC PWD कास्ट से बिलोंग करते हैं उनकी जो फ़ी रहेगी वो 700 रहेगी। अब आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर सीमेट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो ऑफिशियल्स के द्वारा सेट किया जाता है आपको उससे सेटिस्फाई करना ज़रूरी है, और अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो आप जो है सीमेट का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी दे दिया कि आप जो है नेशनल ऑफ इंडिया होने चाहिए, मीन्स आप जो है भारतीय नागरिक होने चाहिए, भारत के रहवासी रहने चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे कुछ एज लिमिट नहीं है, आप कितने भी साल के रहें आप यहाँ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब जब हायर एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो इधर बता देंगे कि आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, कोई भी डिसिप्लिन में रहेगी चलेगा, कोई भी सब्जेक्ट में रहेगी चलेगा, कोई कोई भी कोर्स में रहेगी चलेगा, बस आपके पास एक बैचलर की डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसी तरह से आगे भी और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप फुल डिटेल में चेक कर सकते हो उस लिंक के द्वारा। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं एग्जाम पैटर्न, तो एग्जाम पैटर्न यहाँ पे पूरी तरह से बता दिया गया, लाइक इसका जो एग्जाम होने वाला ऑनलाइन मोड होने वाला कंप्यूटर बेस्ड, टोटल इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो MCQ टाइप क्वेश्चन रहेंगे, मीन आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन के आपको टोटल जो है चार ऑप्शन दिए जाएंगे, चार ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपको राइट लगे उस पर आपको क्लिक करना है, टिक कर देना है सिंपली। जो टाइम दिया जाएगा आपको 3 घंटे दिए जाएंगे आपको जो है सीमेट का एग्जाम पूरा कंप्लीट करने के लिए। जो क्वेश्चन रहेंगे वो टोटल 400 मार्क्स के जो क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे आपको। लैंग्वेज जो पेपर वन रहेगा वो इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, लैंग्वेज पेपर में आपको इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाएगी, और मार्किंग स्कीम यहाँ पे बता दी गई है कि हर एक करेक्ट आंसर पे आपको जो है 4 मार्क्स मिलेंगे, अगर आपने किसी प्रश्न का सही उत्तर दिया तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और वही अगर आपने किसी भी प्रश्न का गलत उत्तर दिया तो आपका 1 मार्क्स जो है वो माइनस हो जाएगा, मीन आप 1 मार्क्स का जो है नेगेटिव मार्किंग भी दिया हुआ है। फिर उसी तरह से आपने टेबल में एक्सप्लेन कर दिया सब्जेक्ट्स के हिसाब से कितने क्वेरीज कौन से सब्जेक्ट में पूछे जाएंगे, मीन्स यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो एक क्वेश्चन या एक जो क्वेश्चन अगर राइट आंसर देते हो तो आपको टोटल 4 मार्क्स मिलने वाले थे, हमने ऊपर अभी डिस्कस किया था, तो उसके हिसाब से 25 × 4 देख सकते हैं आप यहाँ पे 100 मार्क्स का जो टोटल आपका लॉजिकल रीजनिंग होगा। उसी तरह से बाकी के जो 3 सब्जेक्ट है उनके लिए भी सेम रूल है। अभी हम देखेंगे सिलेबस के बारे में, तो यहाँ पे जो आपको सिलेबस बता दिया गया ताकि आपकी प्रिपरेशन में आपको और हेल्प हो जाए, मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से और डिटेल सिलेबस भी चाहे तो आप डायरेक्ट चेकआउट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट एडमिट कार्ड के ऊपर, सो गाइस एडमिट कार्ड एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि अगर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं करते या आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पाता किसी न किसी वजह से, या फिर अगर आप एडमिट कार्ड आपका एडमिट कार्ड आप एग्जाम सेंटर में भी ले जाना भूल जाएंगे तो आपको जो है एग्जाम देने नहीं मिलेगा सीमेट का, क्योंकि एडमिट कार्ड बहुत ही ज़्यादा जरूरी है एग्जाम देने के लिए, विदाउट एडमिट कार्ड आपका एग्जाम नहीं लिया जाता है। अभी नॉर्मली मोस्टली होता ही है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको पता ही नहीं चल पाता कि कब एडमिट कार्ड रिलीज हुआ, कब एडमिट कार्ड की डेट खत्म हो गई, तो वो एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाते, और बहुत सारे लोगों को है जो लेट पता चलता है 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद पता चलता है कि इसका एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज हो चुका है, तो जब वो डाउनलोड करने जाते तो उनकी तरह और भी बहुत सारे हजारों कैंडिडेट होते जो लेट पता चलने की वजह से जो लेट डाउनलोड करने जाते तो एक साथ हजारों लोग की ट्रैफिक आने की वजह से जो वेबसाइट है वो ओपन नहीं हो पाती और डाउनलोड नहीं हो पाता। तो आपको इसके लिए सिंपली हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन बटन भी दबा के रखना है, ताकि जैसे ही एडमिट कार्ड रिलीज हो सीमेंट का हम तुरंत अंग्रेजी पर वीडियो बना के आपको वीडियो के माध्यम से जो नोटिफाई कर देंगे। सो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपको अभी सीमेंट के रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।